राहुल गांधी मंदिर में घुटनों के बल बैठ गए और पुजारी बोले ये मस्जिद नहीं मंदिर है। ये चीज बोली योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के धार में चुनाव प्रचार करने लगे हैं और इस दौरान भाषण देते हुए योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल एक बार मंदिर में घुटनों पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुजारी ने उन्हें ये चीज बोलकर टोक दिया कि ये मंदिर है मस्जिद नहीं। प्रदेश के धार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल को घेर लिया। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी मुख्यमंत्री योगी ने इसी तरह का निशाना साधा था। योगी अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी गुजरात में बहुत सारे मंदिरों में गए, लेकिन एक मंदिर में दर्शन करते वक्त वो घुटनों के बल बैठ गए थे, तो पुजारी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये मंदिर है मस्जिद नहीं। यूपी के सीएम ने कहा था कि उनको ये तक मालूम नहीं कि मंदिरों में कैसे बैठा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में गए तो ऐसे बैठे जैसे नमाज पढ़ने के लिए बैठे हो। योगी ने कांग्रेस पर धावा बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी के समय देश का विभाजन और आजादी के बाद देश के समाज विभाजन की राजनीति की है। कांग्रेस से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज तो कांग्रेस के नेता का नाम नक्सलवाद से जुड़ गया है। बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जिस प्रकार से विभाजन की राजनीति कर रही है वो बहुत ज्यादा निराशाजनक है। जिस कांग्रेस ने केवल विभाजन की राजनीति की है वो जनता का क्या उत्थान करेगी और राष्ट्र को लेकर राजनीति तो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं करेगी। कांग्रेस केवल विवाद खड़ा कर सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी होना जारी हो चुका है, जैसे कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम। इन 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव बाकी है, उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होगा, जिसके लिए अभी से बहुत ज्यादा चीजें शुरू हो चुकी हैं। तो अभी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि इन राज्यों में किसकी जीत और किसकी हार होती है। ये आरोप प्रत्यारोप जारी हो चुका है, जिससे पार्टियों को लाभ भी मिल रहा है और बहुत सारी हानि भी हो रही है। तो देखते हैं अब चुनावों में क्या होता है और किसकी जीत किसकी हार होती है और 2019 लोकसभा चुनाव पर इसका असर कैसे पड़ता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।